नाम बताइए संतराम जी। संतराम साहब। कहाँ से आए हो संतराम? यूपी से आए। यूपी में कहाँ से? हरदोई जिला। हरदोई जिला से। क्या होता है आपको? ये हमने कम से चार पार बार अल्ट्रासाउंड करा लिया। हाँ। कुछ नहीं आता इसमें। किसमें? यहाँ पे पेट में। हाँ, नॉर्मल बताते हैं, दर्द फिर भी होती है। पेट में कुछ नहीं आता, नॉर्मल बताते हैं, दर्द फिर भी होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, किसका ऑपरेशन करेगा? हाँ, कहते हैं एक गैस की है, गांठ कहीं कुछ भी बताते हैं, गांठ आती नहीं है। गांठ आती नहीं? क्या कहते हैं, गैस की गांठ बनी है कहीं? गैस से कैसे, गैस से कैसे गांठ बन जाएगी? वही लोग कहते हैं गैस आती नहीं है, कहीं कहीं टेबलेट लिख के देंगे, कहीं शीशी देंगे पीने के लिए। कम से कम 12 साल हो रहे हैं तेरे को देखते देखते डॉक्टर, कुछ भी नहीं आराम हो रहा है। तो आप कौन कौन से हॉस्पिटल में रेगुलर अपना इलाज करा रहे? हमने गुरुजी इतने वैसे वाले नहीं, हमने नॉर्मली जगह कराया जैसे छोटी मोटी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब आप यहाँ कौन सी बार आए? हम 8वीं बार हो गए। 8वीं बार में आपको कुछ आराम पड़े हैं? हमें बहुत आराम है। कितना आराम आपको पड़ा हुआ? हमें मतलब दर्द होता है जब खाना खाते हैं, नहीं तो एनी टाइम होता था पहले। पहले हर रोज हर टाइम दर्द होता था? एनी टाइम होता था। अब खाना खाते हो तभी दर्द होता है? तो थोड़ा रह गया। संतराम नाम है जी। दादी में गई है उसको। बच्चों का दे दो भाई, पहले देवे, चार लेके दो लेके दे, कितनी देर देवे? दोनों दो ले रहे केवल इतनी देर में, इतने में से कमाल बढ़ाती है। नहीं कितने होशियार बच्चे, संतराम देखिए दर्द कहाँ है? नहीं है, नहीं। कहाँ गया दर्द? अच्छा ये बताओ कि डॉक्टरों से जो चीज़ ठीक नहीं होती है, मनु भैया से ठीक होनी जी गुरु, इसके मतलब क्या है कि डॉक्टरों को तो कुछ पर सीखना चाहिए अभी बहुत कुछ। कहाँ सीख रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, 12 साल हो रहे गुरु जी हमें दौड़ते हैं। 12 साल बर्बाद कर दिए थे, 12 साल डॉक्टरों ने बर्बाद कर दिए दौड़ाते दौड़ाते, ये टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट। पढ़े लिखे हैं? तू अनपढ़ होके भी डॉक्टरों के पास चला गया? तू जहाँ पहले आया बाद में आया वहाँ पहले आ जाता भाई? पता नहीं था गुरु जी हमें, किसी ने बताया था यार। किसने बताया था? एक राजस्थान के उन्होंने बताया था। तो क्या वो यहाँ से ठीक होके गए थे? उनका कोई दोस्त यहाँ से ठीक होके गया? उनका कोई दोस्त यहाँ से ठीक होके गया था, इससे ज्यादा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। इस दरबार से ज्यादा आज तक वर्ल्ड में किसी ने प्रमाण नहीं दिए। चलिए, घर में भी दिक्कत थी मेरे, होते खत्म हो जाते हैं। अब ठीक है,
नहीं अभी एक भी बेटे नहीं है मेरे घर में किसी के। अभी तो हुआ ही नहीं है ना, कोई गर्भ पड़ा भी नहीं है ना। होते हैं भाई के था, बहन का, खत्म हो जाते हैं। अब पढ़ाया तेरे यहाँ आने के बाद कोई गर्भ पड़ा है नहीं अभी? नहीं अभी, तो हम जल्दी आए, अभी तो देखना ना तब। आओ, हाँ जी बोलो। मेरे ने ये कौन सी बार है? मैं चौथी बार आ गई। आपको ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने? ऑपरेशन वो छल्ला डालने के लिए बोला है। बच्चे कहाँ पे? बच्चेदानी में। क्या छल्ला? मतलब कह रहे हैं कि ना बच्चेदानी सिंक हो गई है, तो उसकी वजह से सिंक हो गई। हाँ, तो फिर उसकी वजह से क्या डालेंगे? छल्ला डालेंगे। तुम्हें सिंक होने का कैसे पता? वो अल्ट्रासाउंड करके बता रहे थे डॉक्टर, लेडी हार्डिंग में दिखा रही थी, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने आपका ऑपरेशन बोला, छल्ला डलेगा। तो उन्होंने बताया क्या कि इसमें ये आया कि वो? उन्होंने ये कहा कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया क्यों था? अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया था ना कि मतलब एक महीने तक मेरा पीरियड आ रहा था लगातार। हाँ, लगा तो क्या वो दर्द के साथ हो रहा था कि बिना दर्द के हो रहा था? कभी दर्द भी हो रहा था, कभी बंद भी हो रहा था। आपको कैसे हो रहा था, दर्द के साथ कि बिना दर्द? दर्द के साथ। अभी दर्द है आपको? हाँ जी अभी तो बहुत है। कहाँ दर्द? ये ना अभी से नीचे ये पूरा दर्द होता है पैरों से लेके ना। हाँ। ये और आँखों में भी बड़ा दर्द रहता है। क्या नाम है? विद्या। विद्या नाम है। कौन से हॉस्पिटल से आपका इलाज चल रहा था? लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग से। कौन सा डॉक्टर आपको देख रहा था? डॉक्टर का नाम तो याद नहीं है। कितना पैसा खर्च का बताया उन्होंने? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। चार बार आने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कौन सा सब कुछ दे देते हैं आपको? दवाइयाँ बाहर से नहीं? हाँ, देते से। ली थी ना? हाँ। तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बताइए, इसमें सरकार का रह क्या गया? अरे जो मूल चीज है उसको तो बाहर से खा रहा है आदमी, दो टेस्ट फ्री करके दिखा भी दिए तो क्या रहा, उनमें भी आपको ऑपरेशन बता रहे हैं, ऑपरेशन के बाद भी आपका सारा दवाइयों खर्चा बाहर से। इतने का तो ऑपरेशन का खर्चा भी नहीं होता। अरे 5,000 रुपये ऑपरेशन के लगते हैं, कोई भी डॉक्टर करता है मूल में तो, आया समझ में? और बाकी दवाइयाँ लगती है 50,000 रुपये की। तो फिर कैसा हॉस्पिटल, क्या सरकारी है इसमें? सरकारी क्या, आदमी को लूट लो ठग लो और सरकारी नाम रह गया सरकारी। फिर पहली बार मैं आई थी ना तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द था। तब बहुत ज्यादा दर्द था जब पहली बार आई थी? क्या अब उतना ही दर्द रहता है जितना पहले था? नहीं पहले से कम हुआ। पहले से कम हुआ, चार बार में आके इतना आराम पड़ गया। तालियां बजा दो। क्या नाम? आंखों में जलन भी है अभी, अभी बहुत दर्द भी है। मेरे सामने खड़े हो, दर्द से तड़प रहे हो, है बिल्कुल। और मैं कहूँ डॉक्टर से कुछ नहीं कराना है फिर, और मैं कहूँ गारंटी से लिख के दूं कि तू यहाँ आती रहेगी, ठीक हो जाएगी, फिर यही आऊंगी विश्वास से। आगे ना समझ में, शनिदेव महाराज को अपने घर बुला, है ना, बाबा आप आओ मेरे घर, ठीक है, मैं सत्य का साथ देना चाहती हूँ, मैं सत्य के पथ पे चलना चाहती हूँ, मैं फ्री में दवाइयाँ नहीं खाना चाहती, मुझे अपना वजन नहीं बढ़ाना, मुझे गोली से अपने शरीर में गोला नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो हमारे बॉडी टिश्यूज को खराब कर दे, ठीक है, हमें दुनिया भर की बीमारियां दे दे, खांसी की दवाई खाएं तो हार्ट परेशान, ठीक है, जुकाम की दवाई खाएं तो दिमाग परेशान है जी, बुखार की दवाई खाएं तो शरीर परेशान है। क्या दवाइयां है ये कोई दवाई है? है? कोई दवाइयां है ये? क्या नाम है? विद्या। पति का? हेमंत, हेमंत कुमार। होशियार बच्चे अभी सबके सामने दो दो खेला लेंगे और अभी नहीं पहचान पाई है तो दो बार खेला ले गए इतने दिन में भाई आती है। कोई कोई आदमी इतना ट्रेन कर देता है अपने बच्चों को और बच्चे भी इतना ट्रेन हो जाते हैं, जोड़े चले जाते हैं अपने बैग में सामान। नहीं अंगूठा अपने आप कांप रहा है कि कपा रहे हो? नहीं मैं कपा नहीं रही। कपा नहीं रही तो ऐसे बंद कर लो बाकी उंगली को। हाँ इसको दोनों अंगूठे कांप रहे हैं। अब आपके क्यों कांप रहे हैं? एक तत्व है बहुत ही सूक्ष्म, उसको बोलते हैं निगेटिविटी। वो आपके शरीर में धंसा हुआ है और बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, ठीक है। आप ये याद करो कब से आपको थोड़े थोड़े दर्द होने चालू हुए थे?
ये इसलिए कांप रहा है कि मैं इसका मारण कर रहा हूँ, मैं इसका मर्दन कर रहा हूँ। वो तेरे अंदर बैठा तो भी मैं उसको फांसी लगा रहा हूँ, आगे ना तो भी मैं उसका प्राण सूत रहा हूँ। आया समझ में? ये बात किसको समझ में आएगी? जिसके साथ हो रहा है उसको, क्योंकि उसका अनुभव है, उसको आराम पड़ रहे हैं, उसको बीमारी थी, उसकी बीमारी कम हो रही है। डॉक्टरों का तो ऐसा कोई अनुभव नहीं, उनकी तो कोई ऐसी मशीन नहीं कि जिसपे आप बैठो थोड़ी देर के लिए और वो नोट ना खाए आपका। आप यहाँ बैठे नोट खाए आपके, मनु भैया ने आपके नोट खाए यहाँ बैठे, फिर और आपको चेक भी करेंगे और ठीक भी करेंगे। डॉक्टरों से आप कितने साल से ठीक नहीं हुए ये बताओ? 5-6 साल। 6 साल से आप डॉक्टरों से ठीक नहीं हुए? डॉक्टरों ने कितने पैसे की दवाई खिलाई ये बताओ? 50-60 हजार रुपए की दवाई भी खिला दी होगी और फिर भी ठीक नहीं हुए, और टेस्ट अलग बता दिए, ऑपरेशन अलग बता दिए, और ये तो सरकारी का खर्चा है। टेस्ट वगैरह भी बताए, करवाया नहीं। अब अंगूठा हिल रहा है, दर्द बताइए कहाँ है? दबाओ खूब, लेट जा। देख मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, ऐसे लेट जा, सीधी सीधी लेट जा। तेरे को पता है तू दवाइयों ने बूढ़ा कर दिया तुझे, है? तुझे दवाइयों ने बूढ़ा कर दिया, अंग्रेजी दवाइयों ने। ये अंग्रेजी दवाई मत खाना, सारे सारे अंग्रेज बूढ़े हैं, पहले बचपन से ही बाल सफेद आते हैं ससुरों के। खड़ी हो, देख 25 किलो की लड़की है तेरे पेट में खड़ी होगी, तुझे एक भी रोग नहीं है, इसलिए तुझे महसूस नहीं होगा। उसका वजन महसूस होगा, कोई दर्द महसूस नहीं होगा। हाँ थोड़ा पैर थोड़ा ये हल्का सा, हाँ अब लो देख। ओ और ठीक हो, कितना मोटा पे तनखा 15,000 है, 75,000 रुपए तोला सोना है। 5 महीने की तनखा को मर मर के जोड़ेगा बिना खाए पिए, तब वो 1 तोला सोना ले पाएगा, अपने बच्ची के कान में दबा पाएगा। क्या महसूस हुआ विद्या? अगर इतने वजन से भी आराम है तो मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक आ गया ना। आते समय बहुत दिक्कत हुई। आते समय क्यों दिक्कत होगी? गाड़ी खराब हो गई बीच में। आपको थाने से किसी प्रकार बुलावा आ जाता है, आपकी पंडलियां कांपने लग जाती है बिना बात के। क्या पता क्या कर दिया मैंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों बुलाया मुझे? चाहे वो आपसे जाके ये पूछे कि आपका पड़ोसी का स्वभाव कैसा है, भाई उसके घर में झगड़ा हुआ था, ठीक है। चाहे आपसे ये पूछे कि आपकी गली में एक मर्डर हुआ है, ठीक है ना जी, कि उस औरत का कैसा स्वभाव था, क्या आपको पता है उसका कोई दुश्मन था या उसने किसी से पैसे वैसे लिए थे? लेकिन आप एक बार घबरा जाओगे, नहीं समझे तो जिसको जो अंदर है उसको पता है, कोई कहीं बैठा हुआ है उसका नाम है मनु भैया, वो तुम्हारे लिए कसाई है, वो तुम्हें इसके शरीर में छोड़ेगा नहीं। उसको आ रहे थे आनंद, वो रह के खा रहा था, मौज ले रहा था, लेकिन उसके बैठने के दर्द थे। ऐसी मौज नहीं लेनी चाहिए ना आगे ना। आपके कारण अगर कोई दूसरा परेशान होता हो, ठीक है, आप तो भूत है, आप तो प्रेत योनि में है, लेकिन आपको पता नहीं है कोई दूसरा कितना परेशान होता है। आपने उसका जीना आराम कर दिया है, आपने अनावश्यक रूप से या अनाधिकार उसके शरीर में प्रविष्टि पाली है, अब आपको जाना ही जाना पड़ेगा। वो मनु भैया से इसलिए डरता है क्योंकि उसको जाना ही पड़ेगा। बोलो जय शनि। जय शनि। बोले शनिदेव महाराज की। कमर को अभी तो तू झुकी है, बता रखा है यहाँ। कौन सी बार आई है? 3 बार आ गई। थोड़ी सी पीछे हो, दर्द कहाँ है अभी? कमर पे और जो सारे पैर पे भी है। डॉक्टरों ने बता रखा है ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं भाई, बंद करके दोबारा चलो।